एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहता है चुनावी समीकरण, आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। और भीम आर्मी चंद्रशेखर ने नई पार्टी बनाई है और इस पार्टी के बनने के बाद ये पार्टी किसको समर्थन देगी और किस पार्टी को कितना नुकसान यहाँ पर दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश का चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने नई पार्टी यहाँ पर बनाई है और भाजपा के कई नेता इसमें शामिल भी हुए हैं। तो 15 मार्च 2020 को इस पार्टी का यहाँ पर आगाज हो चुका है और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होने वाला है, क्या बीजेपी और सपा को इससे नुकसान हुआ, आगे आपको पूरी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर जानकारी दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव का इस बार बड़ा बयान है और वो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार 353 सीटें लाकर वो सत्ता में वापसी करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें योगी आदित्यनाथ इस बार 350 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो मायावती जी को ये पार्टी जो नई पार्टी यहाँ पर गठित हुई है उससे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मायावती जी यानी चंद्रशेखर और यहाँ पर मायावती जी दोनों एक ही समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पर भारी पड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए इस बार कांग्रेस ने बागडोर जो है प्रियंका गांधी को सौंप दी है, लेकिन प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश से पाला बदलकर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कर सकते थे, ऐसी खबरें थी, लेकिन अब पाला बदल चुका है तो कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में काफी पीछे रहने वाली है, ऐसी खबरें यहाँ पर चल रही हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच होगी। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे और यहाँ पर चेहरे नई पार्टी गठित कर रहे हैं और इन चेहरों के बाद क्या समीकरण बनते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले जो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है, रविवार को नोएडा में उन्होंने की आधिकारिक घोषणा की है। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी का नाम आजाद समाजवादी पार्टी यानी ASP रखा है। बसई गांव में संविधान की शपथ लेकर उन्होंने पार्टी गठन की घोषणा की है। इस दौरान बसपा कई नेता आजाद समाजवादी में शामिल हुए। साफ तौर पर जाहिर है कि बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। चंद्रशेखर की पार्टी के झंडे का रंग नीला रखा गया है और मायावती जी पार्टी के झंडे का रंग भी यहाँ पर नीला है। पार्टी के नाम की घोषणा के समय बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। ये भी बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सदस्यता ग्रहण करने के लिए 28 पूर्व विधायक और 6 पूर्व सांसद भी मौजूद थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर संस्थापक काशी राम की आज जयंती है दलितों के प्रमुख नेता और चेहरा रहे हैं। चंद्रशेखर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो काशीराम की जयंती पर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर ने यह कदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में हलचल काफी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर ओबीसी भी चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और यहाँ पर बिहार से यहाँ पर JDU और RJD भी चुनावी मैदान में हो सकती है, लेकिन आखिर में कौन जीतेगा आपको इसके भी आसार दिखाई देंगे कि आखिर किस पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बता दें उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटें आती हैं और 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। इससे पहले जो सरकार थी वो अखिलेश यादव की 2012 में, लेकिन अखिलेश यादव ने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया है तो कहीं ना कहीं। और इसके अलावा एक और समानता यहाँ पर योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो भी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ काफी यहाँ पर टक्कर में होने वाले हैं, ऐसी खबरें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन क्या कहता है चुनावी विश्लेषण, देखिए अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी के लिए तो जिस प्रकार का हालात यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और जिस प्रकार के फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं इससे साफ तौर पर जा रहे हैं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बनने वाली है, ऐसी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो सपा दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी सबसे बड़ी, लेकिन सपा को समर्थन और कई पार्टियों से मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस और अन्य दल सपा को समर्थन देते हैं तो सपा फिर कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है उस तक पहुंच सकती है, ऐसी खबरें यहां पर चल रही हैं। इसके अलावा बसपा का जो वोट शेयर है वो यहां पर जो नई पार्टी यहां पर बन रही है जो कि चंद्रशेखर की पार्टी है वो कहीं ना कहीं बसपा का खेल खराब करने वाली है, ऐसे यहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो कहना होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसे सर्वेकर्ता और जो यहाँ पर ओपिनियन पोल है उसके अनुसार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो आपको मैंने बता दिए। फिर भी आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से इस बार बीजेपी कितनी सीट हासिल करेगी, क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करके
एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी या फिर सपा जो कांग्रेस और अन्य के साथ गठबंधन में आके सत्ता में वापसी करेगी, ये तो आने वाला ही वक्त बता देगा किसकी बनेगी सरकार। लेकिन आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।